हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन नॉवल रीडिंग सेशन, है ना। और जिसमें हम सीखते हैं इंग्लिश, चाहे वो हमारी स्पीकिंग हो, ग्रामर हो, या फिर डेली यूसेज सेंटेंसेस हो, वोकैब्स हो, हम सारी चीज़ें कोशिश करते हैं इस नॉवल को, नॉवल के थ्रू सीखने की। और नेम ऑफ द नॉवल इज़ कैन लव हैपन टॉइस, एंड सो फार वी हैव कवर्ड टू चैप्टर्स ऑफ दिस नॉवल, एंड वी आर गोइंग फॉर द थर्ड वन, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3, है ना। सो इन फर्स्ट एंड इन सेकेंड पार्ट ऑफ द नॉवल मीन्स वॉट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, दैट इज मीन्स देर आर 3 फ्रेंड्स एंड दे हैव अप्रोच, दे हैव रीच टू रेडियो स्टेशन एंड दे आर गोइंग टू मीन्स इन अ शो, है ना, टॉक शो। तो वहाँ पर वो टॉक शो में जा रहे हैं और वहाँ पर वो बातचीत करेंगे किसको लेकर के, कि उनका एक फ्रेंड है जो फोर्थ फ्रेंड उनका है, चौथा जो मित्र है नाम है जिसका रॉबिन, तो उसी की कहानी है, एक लव स्टोरी है जो, और उसमें रियल करेक्टर बात करेंगे, इन सब की चीज़ें होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विदाउट गेटिंग लेट। तो चैप्टर नंबर 3 में देखते हैं क्या है। तो जो पहली चीज़ हमको दिख रही, ऑल राइट गाइस, है ना, क्या बोला, जैसे अब शो शुरू होने वाला है ना, तो वही बोला गया कि ऑल राइट गाइस, कि जैसे बोलते हैं ना चलिए तैयार हो जाओ, ऐसे बोलते ऑल राइट गाइस, है ना। पुल योर सॉक्स अप, तो पुल योर सॉक्स अप का मतलब होता है पुल समथिंग, लाइक पुल योर सॉक्स अप का मतलब होता है कि लाइक रेडी होना, है ना, या इनकरेज करना किसी को होता है, तब बोला जाता है पुल योर सॉक्स अप, मतलब क्या होता है, तैयार हो जाओ। वी आर गोइंग लाइव इन 30 सेकेंड्स, और हम लोग 30 सेकेंड्स में लाइव होने जा रहे हैं, मतलब कि हम लोगों से जुड़ने जा रहे हैं 30 सेकेंड्स में। ऐसा किसने बोला, सांभवी ने बोला, सांभवी ब्रॉडकास्टर, तो ये वर्ड लिखा है ब्रॉडकास्टर, तो ये एक्चुअली अगर स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात करेंगे तो ब्रॉडकास्ट का तीनों फॉर्म सेम रहता है, ब्रॉडकास्ट, 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 ब्रॉडकास्टिंग, है ना, इसमें ईडी नहीं लगता, लेकिन ईडी जो लगता है ये स्टैंडर्ड इंग्लिश में यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन जो नॉवल होते हैं ये एक तरह से स्टैंडर्ड नहीं होते, बोलचाल की भाषा वाले होते हैं, तो इस वजह से इसमें इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो शांभवी ब्रॉडकास्टेड जस्ट आफ्टर शी डिक्टेटेड फ्यू डूज एंड डोंट्स टू द 3 ऑफ देम एंड हैंडेड देम अ फ्यू क्वेश्चन शी वुड बी आस्किंग ड्यूरिंग द शो। तो इसने पूरा जो बताया है, क्या बताया आप देखते हैं, शांभवी ब्रॉडकास्टेड जस्ट, है ना, कब ब्रॉडकास्ट किया, जस्ट आफ्टर, है ना, कि किसके बाद, पहले कुछ काम किया उसके बाद उसने ब्रॉडकास्टिंग शुरू की। तो शी डिक्टेटेड, डिक्टेट इसी से बना है डिक्टेटर, और इसी से बना है डिक्टेशन, और इसी की वर्ब बनेगी डिक्टेट। तो डिक्टेटर का मतलब क्या होता है, वही खड़े होकर सब कुछ आपको सुनाएगा, सब कुछ बताएगा, है ना, और डिक्टेट का मतलब बोलना भी होता है। डिक्टेशन जो इमला लिखा जाता था उसको डिक्टेशन बोलते थे, है ना। तो उसने समझा दिया, बता दिया, शी डिक्टेटेड फ्यू डूज एंड डोंट्स, ये क्या होते हैं, अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे या फिर कहीं जाओगे तो लिखा होता है डूज एंड डोंट्स, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कोरोना के टाइम पे क्या लिखा होता है, डूज एंड डोंट्स हो, कहीं पर लिखा हो क्या करना चाहिए, डूज का मतलब आपको क्या करना चाहिए, वी शुड पुट ऑन मास्क, है ना, एंड मेंटेन्स सोशल डिस्टेंसिंग, ये डूज हैं। एंड व्हाट शुड वी नॉट, मीन्स डोंट्स में क्या आएगा, है ना, कि पब्लिक इकट्ठा ना हो लोग, और क्या हो कि बगैर मास्क के ना घूमें, तो डोंट्स में आ जाएंगे। तो उसने, शांभवी ने क्या करना है क्या नहीं करना ये कुछ बताए, है ना, तीनों लोगों को, और हैंडेड उनके हाथ में दिया क्या, अ फ्यू क्वेश्चंस। तो जो ये अ फ्यू लिखा है ये बेसिकली क्या है, पूरी होती है, एक होता है आपका सिर्फ फ्यू होता है ना, फिर आपका आता है अ फ्यू आता है, अ लगा देंगे उसके फिर लगा देंगे द लगा देंगे, तो ये इनके बाद हमेशा जो नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में ही रहता है, और इसी का सेम है मीनिंग देगा जो लिटिल अ लिटिल द लिटिल होता है, लेकिन अ लिटिल द लिटिल जो इस्तेमाल किया जाता है ये क्वांटिटी के लिए किया जाता है, है ना। और जो फ्यू अ फ्यू द फ्यू होता है ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये होता है जब कोई संख्या काउंट, जब कोई चीज़ काउंटेबल होती है। तो उन्होंने क्या, जो शांभवी ने उनको कुछ क्वेश्चंस दिए, है ना, और शी वुड बी आस्किंग, जो कि देखो विल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो फ्यूचर में पूछेगी लेकिन विल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, किसका, वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टोरी पास्ट में बताई जा रही है, तो जब पास्ट में हम बताते हैं तो वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो शी वुड बी आस्किंग देम, वो उनसे पूछ रही होगी, है ना, पूछेगी ड्यूरिंग द शो, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, शो के दौरान वो पूछेगी, है ना, कि उसके बाद अपने उसने अपना ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर दिया। इंटरेस्टिंगली, इंटरेस्टिंगली मतलब, मतलब मज़े की बात क्या है, मज़े की बात देखते हैं। इंटरेस्टिंगली, है ना, शी डिड नॉट चेक इन केस हर गेस्ट हैड एनी फर्दर क्वेरीज,
जैसे होते हैं ना कि उसने सीधे डिक्टेट किया, बोला 30 सेकंड्स हैं, बाकी उन लोगों से कुछ पूछा नहीं, तो वही जैसे जब कोई पूछता नहीं तो हम लोग क्या बोलते, बहुत सही है ना। तो वही वाले जो उसका इंग्लिश यहाँ पर है वो इंटरेस्टिंगली हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बहुत सही, जैसे कोई बात होती ना सटायर करते हैं, व्यंग्य मारते हैं तो कहते हैं बहुत सही, तो वो जो बहुत सही वाला है ना वो इंटरेस्टिंगली है वहाँ पर इस्तेमाल किया गया। तो शी डिड नॉट चेक, उसने चेक नहीं किया, इन केस मतलब कोई ऐसा केस हो जिसमें उसके गेस्ट के पास कोई फर्दर क्वेरीज हो, मतलब वो कुछ पूछना चाहते हो कहना चाहते हो, उसने चेक ही नहीं किया है ना। आगे देखते हैं, द गेस्ट लिखा हुआ है सेयरली एंटीसिपेटेड, मतलब एंटीसिपेटेड का मतलब तो अनुमान कर लेना, एंटीसिपेट है ना। द चांस टू आस्क क्वेश्चन एंड गेट क्लैरिफिकेशन, मतलब उन्होंने अनुमानित किया कि मौका आपको कुछ पूछने के क्वेश्चन का है ना, और क्लैरिफिकेशन मिले, ऐसा अनुमानित किया लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना। ओतरी, ये वर्ड इन्होंने यूज़ किया, मनप्रीत जॉ है ना, ऑलमोस्ट हिट द ग्राउंड, हिट द ग्राउंड का मतलब होता है कि जो पंजा होता है ना कि वो एक क्या हुआ कि उसने ग्राउंड को हिट कर दिया, मतलब ऐसे होता है मार देना, तो वैसे उसने मार दिया है ना। स्लीवर, स्लीवर होता है इसको पढ़ते हैं, स्लीवर, स्लीवर का मतलब टुकड़ा है ना। अ स्लीवर ऑफ आइस मेड इट्स वे इनटू हिज एड्रेनालाइन भी पढ़ते हैं इसको, एड्रेनालिन भी पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अ काइंड ऑफ ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है ना, विश स्पेशली वो जो एड्रेनालिन जो ग्रंथि हमारी होती है, सूचना का केंद्र होती है, सूचना पहुंचाती है। तो ये कह रहे हैं कि एक स्लाइवर टुकड़ा जैसे आइस का हो, उसने अपने कहाँ सीधे पहुंचा जाके ना, एड्रेनालाइन में पहुंच गया जाके, मतलब क्या होता है सूचना वाले तंत्रिका तंत्र में जाके पहुंचा। एंड फ्रीजिंग द ब्लड, फ्रीजिंग का मतलब होता है कि जमा देना क्या ब्लड को है ना, इन हिज वेन्स, जो उनकी नसें थी उनमें है ना, जो वेन्स में जो उनकी वेन्स थी, नसें थी, उनमें जाके क्या कि ब्लड को जमा दे रही थी। मतलब कहने का इसका पूरा सेंस क्या है, सेंस ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि कोई प्रॉब्लम आ गई है ना, कोई शॉक लगा। अब शॉक क्या है जरा देख लेते हैं, क्या शॉक है ना कि अमरदीप रेज्ड हिज आईब्रोज, तो अमरदीप ने क्या किया, अपनी भावें जो है ना, जैसे हम क्या करते हैं ऊपर उठाते हैं, तो अमरदीप रेज्ड हिज आईब्रोज, ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर बोल तो सकता नहीं क्योंकि 30 सेकंड में शो स्टार्ट होने वाला है। तो अमरदीप रेज्ड हिज आईब्रोज, अमरदीप ने अपनी भावें उठाई, मतलब बहुत उचकाना होता है। थॉट टू हिमसेल्फ, अपने मन में ही सोचा, डूड व्हाट द हेल आर यू अप टू, मतलब इनके मन में कोई बात चल रही है अमरदीप के बात में, मतलब अमरदीप के मन में कोई बात है, कोई चीज़ है ना, तो वही चल रही। तो वही ला कि डूड है ना, अपने खुद को ही बोला डूड, जैसे अपने से बात करते हैं ना, कि वही अपने से खुद से बात करा मन में, व्हाट द हेल आर यू अप टू, मतलब कि तुम क्या करने वाले, मतलब कि ऐसे मन में व्हाट द हेल है ना, कि मीन्स ऐसा बोला उसने। हैप्पी सिंपली स्माइल, जब उसकी तरफ देखा है ना अपने मन में ये सब सोचते हुए, तो हैप्पी ने सिंपली नॉर्मली क्या कर दिया, मुस्कुरा दिया है ना। मनप्रीत रेज्ड हिज लिटिल फिंगर, तो मनप्रीत ने क्या किया, जैसे लिटिल फिंगर हम कब दिखाते हैं, जैसे जब लिटिल फिंगर कब इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे जो अभी भी इंडिया में है, इंडिया में क्या मतलब अगर हम यूपी स्पेशली बात करें तो जो शिशु मंदिर है वहाँ पर भी क्या होता है ना कि एक नंबर जाना, दो नंबर जाना है ना, तो ये सब करते थे, तो फिंगर्स का इस्तेमाल किया जाता था है ना, फिंगर्स का इस्तेमाल। तो फिंगर्स हम कब शो करते हैं, तो उसने क्या किया, मनप्रीत रेज्ड हिज लिटिल फिंगर, मनप्रीत ने अपनी लिटिल फिंगर का इस्तेमाल किया और सिग्नलिंग दैट, और संकेत दिया किस बात का, ऑल ऑफ सडन अचानक है ना। ही नीडेड टू पी, उसको ज़रूरत है क्या, पी पी का मतलब होता है कि टॉयलेट के लिए जाना है ना, मतलब उनको शूसू महसूस हुई। तो ये मतलब अब देखो शो स्टार्ट होने वाला 30 सेकंड्स में है ना, और भाई साहब को क्या है ना, इनको वॉशरूम जाना है, तो ये इसलिए उसने अपने फिंगर का इस्तेमाल किया। अमरदीप ब्लिंक्ड हिज आईज इन एंगर है ना, कि जैसे होता है ना मम्मी लोग के साथ में जाओ तो मतलब अगर गेस्ट वगैरह के हैं तो क्या होता है कि जैसे कुछ बात हुई तो वो हम लोग को इशारा करती हैं डांटने के लिए, तो पलक झपका के है ना गुस्से में बोलती, तो उसी तरह से क्या हुआ कि अमरदीप ब्लिंक का मतलब होता है पलक झपकाना, ब्लिंक्ड हिज आईज इन एंगर, गुस्से में उसने पलक झपकाई, मनप्रीत लिटिल फिंगर सेटल डाउन है ना, तो मनप्रीत ने अपनी जो लिटिल फिंगर थी जो पी वाली शो करते थे, उनको वॉशरूम जाना है, उसने उसको नीचे कर लिया है ना। तो ये अक्सर हो जाता है जब सिचुएशन होती है, मतलब कुछ चीज़ स्टार्ट होने वाली, स्पेशली जब एग्जाम्स वगैरह हों, तो बार बार लोगों को क्या टॉयलेट जाना लगता है, मतलब प्रेशर बिल्डअप होने लगता है इस वजह से है ना। आगे देखते हैं, तो 3 2 1 एंड गो है ना, ये किसकी बात, 3 2 1 किसकी बात कर रहे हैं,
रेडियो स्टेशन में है ना, तो शो स्टार्ट होने वाला है। आप क्या बोला, हेलो चंडीगढ़, मतलब बड़े उसको खींच करके हेलो चंडीगढ़ ऐसे करके उन्होंने बोला। मींस कौन ने, सांभवी ने बोला हाउ आर यू, है ना, डूइंग। तो मतलब एक होते ना जो ये बोलते हैं कहाँ पर, रेडियो स्टेशन में बड़ा लंबा खींच करके बोलते हैं ना, तो हाउ आर यू डूइंग, है ना, तो उन्होंने पूछा। और आई विश यू ऑल आर इन पिंक, पिंक का मतलब क्या है कि वही शहर का नाम है ना पिंक, चंडीगढ़ का। तो आई विश कि मैं आशा करती हूँ कि आप लोग चंडीगढ़ में हैं, एंड रॉकिंग एज यूजुअल। रॉकिंग का मतलब मज़ा करना है ना, मज़ा करने का मतलब कि सब सबको ठीक ठाक है ना, एज यूजुअल हमेशा की तरह। तो मतलब वही जो जैसे कोई भी शो स्टार्ट होता है तो एक आरजे होता है, तो यही से स्टार्ट करता है कि जैसे आप लोग सब ठीक हैं ऐसा हो। जैसे मैं भी बोलता हूँ कि अभी आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ तो बोल देता हूँ कि आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, है ना, अच्छे से रह रहे हैं। तो वही सब वो भी बोल रही, फॉर्मेलिटीज जो होती हैं उनको पूरा कर रही है। एंड एज यूजुअल यू आर लिसनिंग टू योर ओन आर जे सांभवी ऑन आर प्राइम टाइम शो, है ना, रात बाकी बात बाकी। तो कह रहे हैं कि एज यूजुअल हमेशा की तरह यू आर लिसनिंग टू योर ओन आर जे, आप लोग सुन रहे हैं अपने जो आपकी आपकी अपनी जो आर जे हैं, है ना, सांभवी को, कहाँ पर, ऑन प्राइम टाइम शो पर। कौन सा शो, रात बाकी बात बाकी, है ना। तो इतना उसने बोला, इंट्रोडक्शन दिया हम करके बोला। एंड तो शुरू करते हैं हमारा ये प्यारा सा प्रोग्राम विद माय स्पेशल विश, है ना, कि सबको विश कर रही हैं क्या, टू ईच एंड ईच वन ऑफ यू ऑन दिस डे। कौन सा दिन है, ये वैलेंटाइंस डे का दिन है ना, तो वही कह रहे हैं कि वैलेंटाइंस डे के दिन मैं सभी को विश करती हूँ, है ना, अ वेरी हैप्पी, जैसे फिर खींच करके बोल रही हैं कि अ वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू, है ना, मतलब ऐसा करके खींच करके लंबा बोला। हाँ हाँ, वेल सिंस मॉर्निंग, है ना, आई हैव बीन फीलिंग सो नाइस, मतलब हंसी थोड़ा सा, और उसके बाद में उसने क्या बोला, सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से ही क्या, आई हैव बीन फीलिंग सो नाइस, है ना, आई हैव बीन फीलिंग सो नाइस, मतलब कि ये देखो नॉवल है, तो नॉवल में फील में एन जी एम इस्तेमाल कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, करे कि मैं सुबह से ही सब अच्छा महसूस कर रही हूँ, है ना, एवरीथिंग अराउंड मी इज जस्ट कलर्ड इन रेड, करके अभी सांभवी बता रही हूँ, सांभवी क्या बता रही कि मेरे चारों तरफ जो है ना सब क्या है, कलर्ड रेड। रेड क्यों है, कि वही वैलेंटाइंस डे है तो इस वजह से, है ना, देर इज़ लव इन द एयर। ये हम पहले भी लाइन पढ़ चुके हैं कि मतलब वही सब जगह वैसा माहौल है, आउटसाइड इन द पार्क, पार्क में, ऑन द रोड्स, कैफेटेरियाज, है ना। कैफेटेरिया क्या होता है, जो स्पेशली अगर अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गए हैं ना, या फिर बड़े बड़े जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर कैंटीन वगैरह होती है, तो कुछ एरिया बना दिया जाता है बैठने के लिए, तो कैफे और एरिया, तो दोनों को मिला के कैफेटेरिया बनता है ना। तो कैफेटेरिया एंड हियर इन माय रूम, करें मेरे कमरे में जहाँ पर सांभवी हैं, एज वेल मेरे कमरे में भी, है ना। एज वेल का मतलब जैसे एज वेल का जैसे मीन्स आई एम हियर एज वेल, है ना, मैं भी यहीं पर हूँ, है ना। तो ऐसा हर जगह बस प्यार ही प्यार छाया हुआ है ना, ऐसा किसने बोला, सांभवी ने बोला। आई एम सो एक्साइटेड सेलिब्रेटिंग दिस डे, मतलब वो बता रही हैं कि मैं बहुत खुश हूँ इस दिन को, है ना, सेलिब्रेट करने के लिए। इतना ही रखते हैं कि बाकी हम नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर सेशन बड़ा हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहीं पर रखते हैं, फिर हम देखेंगे आगे क्या कहानी चलने वाली। तो अब नॉवल और इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। तो मीन्स आई होप आपको चीज़ें सही लग रही हैं, चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हो रही हैं। तो अगर आपको उस दर्शन पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आप अपना ध्यान रखें, है ना, बाय बाय, टेक केयर।